गुड मॉर्निंग मेरे स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग देख रहे थे, पिछली वीडियो में प्रिपरेशन मेथड हम लोगों ने देखा था। कुछ प्रिपरेशन मेथड मैंने आपको बताया था, कुछ बाकी रह गए थे तो उसको देख लेते हैं। पहला मैंने बताया था एल्कोहल से हेलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। मैंने कौन कौन से मेथड बताए थे, एक बताया था, पहले बताया था फ्रॉम एल्कोहल, दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया था, एक बताया था फ्रॉम हाइड्रो कार्बन, दो मेथड आपको बताए गए थे, जिसमें से मैंने आपको बताया था हाइड्रोकार्बन में एक बताया था एल्केन से दूसरा एल्कीन। आपके कितने मेथड हो गए, एल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से, हाइड्रोकार्बन से एक मैंने बताया आपको एल्केन से कैसे बनाते हैं, दूसरा मैंने बताया था एल्कीन्स में, और इस एल्कीन में आपको बताया गया था। अब एल्कीन कोई भी एल्कीन है, एल्कीन में क्या पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड, और जब भी डबल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, ब्रेक करने के बाद में एक तरफ तो आएंगे पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और दूसरी तरफ आते हैं पार्शली निगेटिव चार्ज। जो भी रेजेंट आपको प्रोवाइड किए जाएँ, वो रेजेंट क्या काम करेंगे, वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएंगे, निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट से अटैच करना था और पॉजिटिव पार्ट को निगेटिव पार्ट से अटैच करने थे, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। अब नेक्स्ट मेथड एक और देखते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड क्या है, किसी भी हेलो एल्केन से, कोई भी हेलो एल्केन्स आर एक्स लेते हैं, कोई भी हैलोजन एल्केन्स लेते हैं, इसको ये हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करा दिया जाए, क्या किया जाए, हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्शन करा जाए, या हाइड्रोजन के साथ में कोई भी आप मेटल ले लें, सोडियम ले लें, हाइड्रोजन के स्थान पर सोडियम ले लें, पोटेशियम ले लें, यदि इनसे रिएक्शन कराया जाए तो आपको फिर से हैलोजन, दूसरा हेलो एल्केन्स प्राप्त होता है, आर आई मिल जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो हैलोजन अटैच होंगे वो सिर्फ ब्रोमीन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, ब्रोमीन हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकते हैं। फ्लोरीन के रिएक्शंस यानी फ्लोरो डेरिवेटिव ऑफ हेलो एल्केन्स कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय आयोडाइड, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय आयोडाइड, व्हाई, बिकॉज दिस रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव, कैसा होता है, एक्सप्लोसिव रिएक्शन, यानी आप हैलोजन एक्सचेंज मेथड के द्वारा, इस मेथड के द्वारा क्या बना सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, लेकिन एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्या नहीं बना सकते, एल्काइल फ्लोराइड कैन नॉट be prepared by this method। अब क्या करेंगे, इसके द्वारा आप क्या बना सकते हैं, एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, एल्काइल क्लोराइड बना सकते हैं, लेकिन एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। एल्काइल फ्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए एक नेक्स्ट रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं स्वार्ट्स रिएक्शंस, कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन में मेटल फ्लोराइड का इस्तेमाल करना पड़ता है एज ए कैटालिस्ट, कैटालिस्ट के रूप में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, मेटल फ्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे, और मेटल फ्लोराइड का इस्तेमाल करके मान लेते हैं, जैसे ले लिया गया आपका CH3Br, अब ये क्या है,
मिथाइल ब्रोमाइड, क्या कहेंगे इसे, या मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन यदि AgF, क्या लें, AgF और भी हो सकते हैं HgH2F2 और क्या ले सकते हैं मेटल फ्लोराइड के रूप में F2 और क्या ले सकते हैं SbF3। ये मेटल फ्लोराइड, इनका यदि इस्तेमाल किया जाए किसी भी हेलो एल्केन्स का रिएक्शंस, किसी भी मेटल फ्लोराइड, ये सब क्या हैं, मेटल हैं, मेटल फ्लोराइड, इन मेटल फ्लोराइड से रिएक्शन कराया जाए तो एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, क्या बनते हैं CH3F, इसको बोलते हैं एल्काइल फ्लोराइड। क्या बोलते हैं, एल्काइल फ्लोराइड। कैसे बना, यहाँ इसको ब्रेक कर दीजिए, यहाँ पर बॉन्ड होंगे, इस बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, इस पर आए नेगेटिव चार्ज, इस पर आए पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आप इसको ब्रेक कर दें, किसी को भी ब्रेक करेंगे तो फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएंगे पॉजिटिव चार्ज, सेम रिएक्शन जैसे कि पहले किया गया था, नेगेटिव पार्ट को पॉजिटिव पार्ट से अटैच कर दिया गया, फिर इस नेगेटिव को इसके पॉजिटिव से अटैच कर दिया, क्या बन गए AgAg, यहाँ से क्या बचा Br, AgBr का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन दिस रिएक्शंस, ये सेम टू सेम रिएक्शंस, ये रिएक्शंस स्वार्ट्स रिएक्शंस कहलाते हैं, कौन सा रिएक्शन, स्वार्ट रिएक्शन, नेम्ड रिएक्शंस हैं ये, और इस रिएक्शंस को आप तो ये को याद रखना होगा, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कौन सा रिएक्शन, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन दिया जाता है कि व्हाट इज स्वार्ट्स रिएक्शंस, और आपको ये टोटल याद रखना होता है कि किसी भी एल्काइल फ्लोराइड का रिएक्शन यदि मेटल फ्लोराइड से कराया जाए, मेटल फ्लोराइड एज ए कैटालिस्ट के रूप में यूज होते हैं और क्या बनता है, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, क्या बनते हैं, एल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट रिएक्शन, हाइड्रोकार्बन का, किसी भी हाइड्रोकार्बन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं। अब पहले देख लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड क्या है, अगला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशंस का मतलब रिप्लेसमेंट, क्या होता है रिप्लेसमेंट, किस चीज़ का, इलेक्ट्रोफाइल का, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा। अब और देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, अब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ग्रुप होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट, जैसे देखते हैं हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, लेकिन इसके पास में क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज अटैच कर दिया गया, या जितने भी पॉजिटिव चार्ज आयन होते हैं क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डिफिशियंट हैं, हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ही सेल होती है और 1s1 और इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन निकल गए, इनका ऑर्बिटल कैसा हो गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन H+ 1s0 और इसका ऑर्बिटल कैसा हो गया, वैकेंट। ऐसे एलिमेंट
जिनमें वैकेंट ऑर्बिटल पाए जाएं, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकें, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट ग्रुप क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल को क्या किया जाए, सब्स्टिट्यूट किया जाए, और क्या बनाए जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाए जाएंगे, कोई भी एल्काइल हैलाइड बनाया जाएगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में लेते हैं टोल्यून, क्या ले लेते हैं, टोल्यून ग्रुप लेते हैं, ये क्या है CH3, ये क्या है टोल्यून हुआ, और इस टोल्यून में जो ये टोल्यून पाए गए, इसको हैलोजन से रिएक्शंस कराया जाए, किससे रिएक्शंस करा दें, हैलोजन से रिएक्शंस करा दिया जाए। अब देखते हैं कि हैलोजन से जब भी रिएक्शंस कराए जाएंगे तो यहाँ पर आपको पहले क्या किया करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, मीन्स पॉजिटिव चार्ज जब आपको जनरेट करने पड़ेंगे, एक्स और एक्स के बीच का जब बॉन्ड आप ब्रेक करेंगे तो एक पर आएंगे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे होंगे नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे। जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज्ड आयन हैं, ये पार्शियली चार्ज्ड आयन हैं, ये क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल, क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अब आपको यहाँ से रिमूव क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइल। अब यहाँ पर आप पहले से जानते हैं यहाँ पर सभी स्थान पर क्या लगे हैं, हाइड्रोजन, क्या हैं, हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को जो भी हाइड्रोजन है बेंजीन रिंग के पास में, यदि इसको यहाँ से ब्रेक कर दिया जाए, ब्रेक कर दिया जाए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं और ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ये पॉजिटिव आयन के फॉर्म में रिमूव हो जाते हैं, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज के रूप में रिमूव हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, रिमूव होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल के द्वारा फिल कर लिए जाते हैं। यहाँ पर जो आपके रिएक्शंस होंगे, उस रिएक्शंस में जो बन करके आएगा प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएंगे, हाइड्रोजन के स्थान पर एच प्रोटॉन के स्थान पर एक हैलोजन अटैच हो जाएगा। ये हैलोजन जो होंगे ये क्या हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकते हैं। हाँ, एक बात और देख लेंगे, एक बेंजीन रिंग्स हैं और इस बेंजीन रिंग, ये टोल्यून हुआ CH3, इस ग्रुप के जो पास वाले कॉर्नर हैं इसको बोलते हैं आर्थो, क्या बोलते हैं, आर्थो, ये पोजीशन कहलाती है पैरा, और ये पोजीशन क्या कहलाती है, ये पोजीशन कहलाते हैं मेटा। अब आपने देखा कि CH3 ग्रुप अटैच होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ, हैलोजन अटैच हुए, किस पोजीशन पर, आर्थो, तो ऐसा नहीं है कि पैरा पोजीशन पर ग्रुप अटैच नहीं होंगे, क्योंकि ये ग्रुप कहलाता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्या कहलाता है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, यानी इस ग्रुप की वजह से इसके आर्थो पोजीशन और इसके पैरा पोजीशन, आर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप अटैच हो जाते हैं, तो साथ में और क्या बन जाएंगे, पैरा पोजीशन पर भी क्या लग जाएंगे, हैलोजन अटैच हो जाता है CH3। आपने रिएक्शंस किसका कराया, इलेक्ट्रोफाइल
फ्लिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कराया है। इलेक्ट्रोफ्लिक्स सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफाइल जिसको आप रिएजेंट के रूप में लेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करेगा, और ये रिप्लेसमेंट इसके आर्थो पोजीशन से हो सकती है, पैरा पोजीशन से भी हो सकती है। आर्थो और पैरा दोनों ग्रुप आपको मिलते हैं। क्या मिलता है? आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के दोनों मिक्सचर प्राप्त होते हैं। जो भी मिक्सचर आपको प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर जो मिक्सचर प्राप्त होते हैं, इन मिक्सचर को आप सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो भी ग्रुप लगे होंगे, आर्थो इफेक्ट कास्ट करेगा, ये नज़दीक हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, और उस बॉन्डिंग की वजह से इनकी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाते हैं और इनका बढ़ जाता है, इंक्रीज कर जाते हैं, इनके क्या होते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं, और उस बॉइलिंग पॉइंट के अंतर के कारण इनको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। थैंक यू।